राम राम सर। पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सर। आज मैं आपने अदरक लहसुन और मिर्ची रो अचार बनाने बतूला, जो का खाने माने तो बहुत ही स्वादिष्ट लाग गया करे और झटपट बनना तैयार हो जाया करे। तो अचार बनाने वास्ते अपा 100 ग्राम अदरक लिया हाँ। 100 ग्राम अदरक ने मैं साफ धो लियो, क्योंकि अदरक में तो मिट्टी बहुत होया करे तो उन्हें साफ धोना बहुत जरूरी है। तो आप सब पहले साफ धो ने इन्हें छिलको निकाल लीजो और थोड़ी देर वास्ते मैं इन्हें फैन चलान रख दिया, जो कि इनमें तो कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं रहे, पानी नहीं रहे। इन्हीं तरह मैं लहसुन ने भी एक है छिलको निकालने, पानी धो ने थोड़ी देर वास्ते सुखा दिया हो तो सूखने तैयार हो गया। अब इनमें तो कोई तरह मॉइस्चर नहीं है। न मिर्ची भी ले तो आपके मिर्ची जिन टाइम ले तो मिर्ची और डंटल मत निकाल जो, आप डंटल रहे साथ ही जोई जो उन बाद मायने सूख जावे उन्हें पचास डंटल निकाल लीजो। तो मैं आपने बताऊँ उन वास्ते एक रा क्यों, बाकी सब डंटल मैं निकाल लिया हूँ। तो इन तरह आप डंटल निकाल लीजिए बाद में, पहले आप डंटल निकालने बाद में धोला तो इन मायने कही पानी जावा लपरो तो मॉइस्चर मायने जावा लपरो तो अचार आप जल्दी खराब हो जावला। तो इन चीज़ आपने ध्यान रखना है। वजन रहे मायने तीन ही चीज़ा मैं 100-100 ग्राम ली हूँ। 100 ग्राम मिर्ची ली हूँ, 100 ग्राम मैं लहसुन लिया हूँ और 100 ग्राम ही मैं अदरक लिया हूँ। आप चाहो तो रेशियो चेंज भी कर सको। आपने अदरक ज़्यादा भावता हुए तो आप 100 की जगह 150 ग्राम भी अदरक ले सको। या मिर्ची आपने ज़्यादा भावती हुए तीखो अच्छा लगता हुए तो मिर्ची ज़्यादा ले सको। इन मान कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। कोई भी चीज़ आपने ज़्यादा भावे जी कि आप ज़्यादा ले सको। अब तीनों ने मायने अपा कहीं करेला आधा आधा अपा एक अलग प्लेट में निकाल ले वहाँ, वो अंदाजो अपन ले लें होना, कोई वजन करना जरूरत नहीं है, अंदाजो अपन ले लें होना आधा आधा कहीं। यहाँ ने मैं अलग रख दिया हूँ। अब मैं बता दूँ यहाँ ने की कर काटने तैयार करना है। अदरक ने मैं बता दूँ आपने, अदरक ने सब पहले अपन लच्छा रमायने काटा ला। देखो अदरक ने इतना आप काट लंबा लंबा लच्छा में काट लीजो, लंबा लंबा लच्छा रमान काटो लगे खाऊ आपने आरामदायक लगेला। तो इतना ओपा सब अदरक ने काटने तैयार कर लिया। देखो पतला पतला लच्छा रमाइने जो खाऊने मायने अपन आरामदायक रहे। अब इन अपा साइड में रख दे ने आ लहसुन की प्लेट ले लिया। अब मैं लहसुन बता दूँ आपने लहसुन की कर काटना है। लहसुन बड़ी बड़ी साइज रहे तो आप चार टुकड़ा कर लीजो। इन तरह चार टुकड़ा कर लिया। एक और बताऊँ आपने, देखो खड़ा टुकड़ा करना, चार टुकड़ा हो गया। न छोटी साइज रहे तो दो टुकड़ा कर लीजो। न बहुत छोटा लहसुन वे तो आप साबुत भी रख सको। इन तरह देखो एक छोटा लहसुन हुआ तो आप साबुत भी रख सको भले उन लहसुन में, क्योंकि एक ही साइज रहा सब लहसुन बनने तैयार हो जाए वाला। अगर आप लहसुन नहीं खाता हुआ तो इन अचार मान लहसुन मत गाल दो, बोले आप अदरक मिर्ची और अचार बनाने भी तैयार कर सको। और अचार हमारी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती। मैं सुबह सुबह गर्म गर्म पुड़िया रहते अचार खाता न खाने माने बहुत स्वादिष्ट लगता। तो अचार हमारे कन ही सीख केड़ो है इस वास्ते मैं आपके साथ इन अचार ने शेयर कर रही हूँ। भले लहसुन नहीं अपना साइड में रख दे, अब मिर्ची ले लें आप। मिर्ची ली हुआ, मिर्ची ने कही थोड़ी बड़ी बड़ी काट अपन, आप चाहो तो छोटी भी काट सको। आपने जिन हिसाबों खावनी हुए उन हिसाबों काटने तैयार कर सको। मैं एक मिर्ची का चार टुकड़ा पाँच टुकड़ा कर रही हूँ। जब तक मैं मिर्ची काट रही हूँ उतनी देर में आपने बता दूँ कि आपके घर में मैंने आप किसों के साथ अचार ट्राई करी हो। मैं मिर्ची का अचार भी बताया बनावनी आपने, नींबू रही बताया हो, कैरी रही बताया हो, तो आपके घर में कड़ो अचार बनियो वो सब मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो। मैंने आपका कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लग गया करे। इन तरह बात ही बात रहा मैं देखो सब मिर्ची काटने तैयार कर ली हूँ। अब अदरक लहसुन और मिर्ची ने अपा जी का बचाने रखा, इन्हें अपा का एक बार दरदरा पीस लिया। दरदरा पीसने से कोई अचार मैंने स्वाद अच्छा आवेला, नहीं तो मसालों भेजू है कहीं मत लाग जावेला। अदरक ने थोड़ा एक टुकड़ा करने डाल दिया जिन्होंने पीसन ने मैंने आराम रहेला। तो सब पहले अदरक ने पीस लिया थोड़ा सो, अदरक थोड़ा कड़क होया करे नहीं तो इन पर हल्को सा एक बार चला ले ज़्यादा नहीं करेला। तो इन तरह उपाय के जरक देते हुए थोड़ा सा पीस ले, हल्का हल्का टुकड़ा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हुआ हल्का हल्का टुकड़ा हो जाएगा। अब इन हाथ अपन मिर्ची न लहसुन दो ही डाल दे या न भी इन तरह जरक दे दें अपन। बस ज़्यादा मैं नहीं पीसना पड़ा, थोड़ा दो चार बार जरक देना देखो अच्छा बनने तैयार हो गया। आप देख रहे हो मैं भी नहीं दरदरा पीसी इतना तैयार होया। आप कहना मिक्सी नहीं हुआ तो आप मान दस्तर है मैंने कूटने भी मैं डाल सको, भाई थोड़ा थोड़ा दरदरा कूटी चाल है मैं। अब इन्हें अपन निकाल ले, आप देख रहे हो देखो बहुत ही अच्छा पीसी इतना तैयार हो गया। मैं भी नहीं इन्होंने कोई छोटा है कोई बड़ा है, इन तरह पीस पीसी इतना तैयार हुआ। अब जी का लहसुन अपा काटने रखे आके जिका इन मैं डाल दें, मिर्ची ने भी डाल दें आप, अदरक ने भी डाल दें और सब ने अपा मिक्स कर लिया एक बार, सब ने इन तरह मिक्स कर लिया। पीस छोड़ो मसाला है क्या वो इनमें तो लाग जाला अच्छी तरह। अब इनमें अपा दो टेबल स्पून वजह तो नमक डाल दें वहाँ अचार में, नमक थोड़ा बत्तो खा लीजिए करे, इनमें खटाई वगैरह डाला नहीं तो इन कारण अपा ने थोड़ा नमक बत्तो डालना पड़ेगा। अब इनमें अपा एक छोटा चम्मच वजह थी हल्दी डाल दें वहाँ, इन अच्छी तरह मिक्स कर लें वहाँ, हल्दी नमक सब जगह लाग जाना चाहिए। इन तरह मिक्स कर ला,
अब इनमें ना पाव कप भेजी तो नींबू रस डाल दे। नींबू रस डालने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होया करना, खटाई भी अच्छी आ जावे, एज ए प्रिजर्वेटिव काम करिया करें। नींबू अपना मैरिनेट कर डाला क्या तो एक खट्टा जल्दी पड़ना रो जा वाला ना कहीं, एक मिर्ची अदरक भी ऐसा पीस आने तो काला नहीं पड़े कोई। अब इनमें अपना पाव कप भेजी तो सिरको डाल दे, सिरको डालने से कहीं अचार ख़राब नहीं होया करें। आप सिरको नहीं डालनी चाहो तो वो तो मैं क्वार्टर कप जिको नींबू रस डाल लिया हूँ उन जगह आप आधा कप नींबू रस डाल दीजिए तो अचार आप ख़राब नहीं वेला। अपने सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। हल्दी में मन कम लाग रही है इस वास्ते एक छोटा चम्मच हल्दी डाल देवा। हल्दी का कलर इनमें आना चाहिए अच्छा लगे। आप कहने कच्ची हल्दी हुआ तो वह भी डाल सको आप, कच्ची हल्दी भी इन्हें अचार मन बहुत अच्छी लाग गया करें। कच्ची हल्दी का कलर भी मन बहुत अच्छा आया करें। अब इन्हें पा मैरिनेट कर दिया ने आधा घंटे वास्ते आप साइड में रख देवा। जित तक ये सब जिकी चीज़ें आप डाली आनी इनमें नींबू रस भी अच्छी तरह पोवी जाला, इन्हीं साथ नमक वगैरह अच्छी तरह पोवी जाला तो अचार बनना शुरू हो जाला। जितें अब अचार में डालने वास्ते अपना कुछ मसाला ने सेकने तैयार कर लें। इस वास्ते मैं एक टेबल स्पून राई ली हूँ। राई डालने से इनमें खटाई अच्छी आ जाया करें तो एक टेबल स्पून राई ली हूँ और एक टेबल स्पून ही मैं सूखा धाना लिया हूँ, आका धाना है। एक टी स्पून वह जीती मैं काली मिर्ची ली हूँ। एक टी स्पून जीती मैं दाना मेथी ली हूँ। एक टेबल स्पून जीती मैं सौंफ ली हूँ। सौंफ का फ्लेवर इनमें बहुत ही अच्छा लग गया करें। मैं 5-6 एक मैं लौंग लिया हूँ, लौंग भी मैं डाल दी हूँ। इन तरह सब मसाला ने अपना भुनने तैयार कर ले। गैस ने चालू कर दिया मैं धीरे आँच से मैंने अपना स्लो और मीडियम आँच में इन्हें भुनने तैयार कर लिया। मैं पहले भी अचार बनाया उन टाइम आप देखे बोला अचार मसाला जरी मैं भणूँ थोड़ा सेकने डालिया करूँ। सेकने डालने से इन्हें मॉइस्चर निकल जावे जिन्हों अपना अचार ख़राब नहीं होया करे, अचार लंबो चलिया करे। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी निकलनी शुरू हो जाया करे। अब आज देखो बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, 1-1.5 मिनट में सब मसाला सेकना तैयार हो जावेला तो उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होवेला। अचार ने मायने एडो अचार खाने ने मायने बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सब मसाला अपना सीख गया है, 1 मिनट लग गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इन टाइम में। अब आप गैस ने बंद कर दे, गैस ने बंद करने मसाला ने अपना दूसरे में निकाल ले। मसाला ने कभी गर्म गर्म नहीं पीसना, थोड़ा ठंडा करने पचे पीसना तो साइड में ठंडा होने रख दे। जितने मैं एक टी स्पून जीती कलौंजी ली हूँ। इन्हें किराए तो कया करें, कोई लोग इन्हें मगरेल भी कया करें तो आप रेट कहीं कया करें तो कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने बता दीजिए। अब गैस चलाने पा धीरे आँच में या नहीं सेक दे, कड़ा लो तो अपना गर्म ही जाए। 1 टी स्पून जितना मैं डाली हूँ, यहाँ ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, इन खुशबू बहुत अच्छी आया करें। अब इन्हें मॉइस्चर निकल गया है, निकलने है क्या ना जल्दी सेकना तैयार हो गया है। अब आप गैस बंद कर दे, इन्हें अपना दूसरे पहले रमान निकाल ले। उन मसाला रहते ही इन्हें नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ ना अपना पिसाला नहीं, इन्हें अलग निकाल दिया। अब आप एक बर्तन लिया, हाँ बर्तन में मायने अपना आधा कप वेजी तो सरसों का तेल डाल दें। आप सरसों का तेल नहीं खाता वो इन जगह मत है, मूंगफली का तेल या तिल का तेल जिको भी तेल खाओ आप डाल सको। इनमें सरसों का तेल मैंने कहीं खारासी होया करें नहीं तो अचार थोड़ा प्रिजर्व रहा करें। अब इन तेल ने अपना अच्छा गर्म कर ले, ज़्यादा तेल डालने जरूरत नहीं आपने क्योंकि इनमें अपना नींबू रस डाल लिया, हाँ सिरको डाल लिया, हाँ जिन कारण अचार तो अपना ख़राब वेला को नहीं, पर थोड़ा सा अपना तेल डाल दिया इनमें जो खाने में और ज़्यादा स्वाद लगेगा। पर आप तेल नहीं डालनी चाहो तो भले मत डाल दो, यू भी अचार खा लीजिए बोली यू भी आपने अच्छा लगेगा। तेल ने कभी भी गर्म करने डालना चाहिए, एक तो इन्हें कहीं खारासी वाला जी कि थोड़ी कम पड़ जावेला, इस इन्हें तेल ने धुआंदार गर्म करना। दूसरा तेल भी आप डालो तो थोड़ा गर्म कर डाल दो क्योंकि तेल में थोड़ा बहुत भी कोई मॉइस्चर वाला जो निकल जाला तो अचार अपना ख़राब नहीं होया करे। इस वास्ते करी भी अचार मायने कोई भी अचार बनाओ तेल अपने गर्म करने डालना, तेल ली बहुत अच्छी खुशबू आउन डू गया, इन माने धुआं भी निकलन डू गया तेल दे माने बहुत अच्छा गर्म हो गया। अब आप गैस ना बंद कर दे और 2-3 मिनट में आराम गर्म हो जाएगा। पाव कप तेल है जल्दी तेल गर्म हो जाएगा, बस खाली धुआं निकलन डू गया थोड़ा सा के तो अपना तेल पूरा गर्म हो गया, बस इतो ही गर्म करना अपना। अब इन ठंडा करने वास्ते रख दे। अब सूखा मसाला ठंडा हो गया है, इन्हें आप पीस ले। कलौंजी कदम भी पीसने नहीं नाते और ध्यान रखना कलौंजी ने अपना यूज डालनी है। इस रास्ते में कलौंजी नहीं पीस रही हूँ नाते। ये सब मसाला देखो अच्छा पीसी दिया अपना, इन तरह मैं पीसना तैयार करना जिन्हें खुशबू बहुत अच्छी आवे ने देखो नचारे में ना खुशबू आपने बहुत अच्छी लगेगा। अब इन्हें अपन निकाल दे। अब तेल अपना आधा ठंडो हो गया, हाल तक गर्म है पर आधा ठंडो हो गया, पचा इनमें हींग डाल दी उन्हें, हींग कहीं अच्छी तरह पक जाए तो मैं आधा छोटा चम्मच हींग ली हूँ, हींग में डाल दी हूँ। पहले आप हींग डालता क्या तो जल जाती है, गर्म गर्म में हींग डाला नहीं जल जाया करे तो आधा ठंडो हो गया पचा इनमें हींग डाल दी। अब धीरे धीरे गर्मासी हुआ हींग पक जाए मायने। अब अचार ने पाचा पा ले लिया, हाँ देखो अचार अपन जी इतनी देर में मायने अच्छा रसी जियो। अब इन मायने अपा जो कलौंजी सेकना रखिए कलौंजी डाल दे, कलौंजी को अच्छा फ्लेवर आया करे। इन्हीं साथ जो मसाला पीस न रखिए आप वे भी मैं डाल दे। सब मसाला ने अच्छी तरह मिक्स कर लें।
बेचारी और ज़्यादा अच्छी खुशबू आने शुरू होगी। इन्हीं साथ अच्छा कलर वास्ते इनमें अपना एक टेबल स्पून वजह थे लाल मिर्ची डाल दें, कश्मीरी लाल मिर्ची है और डालना ऑप्शनल है, आपने पसंद हुए तो आप डाल दो नहीं तो मत डाल दो। इन्हें ज़्यादा तीखापन नहीं हुआ कर पर कलर अच्छा लगे अचार रो, अचार निकट में फूट रहा हुआ तो खाने में अच्छा लग गया कर। सब अच्छी तरह मिक्स कर लिया आप, देखो दिखण में अचार अपने बहुत ही अच्छा दिखण डूब गया। और अचार के एक पूड़ी पराठा तो भी खाओ सुबह नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा लग गया करे। अब तेल भी अपन ठंडो हो गया है, तेल न पाइन मान डाल दें न सब न अच्छी तरह मिक्स कर लिया हूँ। तो हींग है जिसके नीचे रह गई है तो हींग न भी डाल दें अच्छी तरह। हिंगरी खुशबू भी मैंने बहुत ही अच्छी है वाला। इन तरह पर सब तेल ने मिक्स कर लिया। अब मैं आपने बताऊँगी ने अचार ने स्टोर करने की कर रखना है अपने, तो अचार ने रखने वास्ते झट तक हो सके आप रखने कांच की बोतल हुए तो आप कांच की बोतल लीजो, कांच की बोतल नहीं हुआ आपके घर में तो फूड ग्रेड प्लास्टिक की बोतल वे कर जिकी वे आप लेने यूज कर सको। पर कांच रे बोतल में अचार ज़्यादा अच्छा रहा करें। इन अचार की बोतल जरिए आप ले उन्हें साफ धो लेनी, धोरे बाद में मैंने थोड़ी देर धूप में रख देना तो अच्छी सूख जानी चाहिए, कोई तरह मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इन मैंने, मॉइस्चर वेला तो आपका अचार जल्दी खराब हो जाएगा। तो इन आप फैन नीचे ही सुखा सको और धूप में सुखाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप माइक्रोवेव में रखने सुखाओला तो पूरा मॉइस्चर भी उड़ जावेला। बोतल सूखी हुआ उन मायने आपने अचार निकालने डालना है। एडो अचार बनाने बरसात रे मौसम मर मायने पा दाल ढोकली बनावा उन साथ तो अचार डालने खावा तो खाओ ना मजा आ जाए वैसा। इन तरह ओपा भरने ढक्कन लगान रख दिला तो फ्रिज में रखने जरूरत नहीं, आपने बाहर रखो लो तो भी अच्छा महीने अचार खराब नहीं वैसा। पर अचार ही तो स्वाद होया करे अपन छः महीना चले ही कोनी। तो आपने हमारी रेसिपी कड़ी लागी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। मिला लाड़ी दूजे वीडियो मायने, जब तक राम राम सा।